कितने छोटे छोटे घर हैं आप देखो, ये बॉर्डर के गांव हैं, बॉर्डर के घर हैं। एक नाग है एक नागनी है, देख लो आप। आखिर क्यों इस गांव में सांप आते हैं तो मर जाते हैं, ऐसा क्या होता है इस गांव में? और करते हैं दर्शन नाग और नागिन के। तो माड़ा गांव में पूजा होती है और ये पूरा गांव उस पूजा के बाद ना एक खाली हो जाता है। 6 महीने तक गड्ढे में क्यों रखते हो आलू को? आलू जमीन खड्डा बनाते गोल। अच्छा, उसके अंदर डाल के मिट्टी ढका के। और ये आंटी जी जिसकी जो बैठी है ना, ये बकरे की खाल है। ये खाल है बाल है आंटी? खाल है हाँ, बाल का ये बकरी की खाल है। बैठे हो आप? मैं साहब कपाल फोड़ दूं त्यार। मिल फोड़ो तेरे कप त्यार। यार अंकर तेरे कपाल फोड़ो ना। ढूंगा मैं त्यार कपाल फोड़ो मिले तोर अंकर। तो यार तुम्हारे जो रोहित पहाड़ी है ना, वो ऐसे ही एडवेंचर करते रहते हैं। लाभ चल लौट में खाली घोसड़ी के सारी चाट गया। चल भाई चल चल टिकी टिकी टिकी। Hey guys, welcome back to another YouTube video. मैं रोहित पहाड़ी स्वागत करता हूँ आपका फिर से हमारे इस नए ब्लॉग में। और मैं हूँ अभी आपका उत्तराखंड के बद्रीनाथ में, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और आज के इस ब्लॉग में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ आपका भारत के लास्ट गांव, भारत का बॉर्डर वाला गांव का माड़ा गांव। माड़ा गांव से पहले के नजारे कुछ ऐसे हैं यहाँ पे। और उसके बाद पड़ता है आपका तिब्बत बॉर्डर। और जी बहुत सारी चीजें हैं इस माड़ा गांव में। कहते हैं कि पांडव भी यहाँ आए थे, कहते हैं कि गणेश भगवान यहाँ आए थे, भगवान कृष्ण यहाँ आए थे, महादेव भी यहाँ आए थे। तो इस माड़ा गांव की इस तरह तो बहुत सारी चीजें। लेकिन अभी ना मुझे यहाँ देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अभी ऐसा कुछ विकास ऐसी चीजें डेवलपमेंट कुछ हुआ नहीं है फिलहाल अभी तक। और पिछले वाले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था बद्रीनाथ के दर्शन कराए थे, बद्री विशाल के दर्शन कराए थे और उस तप्तकुंड और बद्री विशाल के बारे में वो सारी चीजें जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होंगी वो सब कुछ आपको मैंने उस ब्लॉग में दिखाया था। अगर नहीं देखा है तो प्राइवेट बटन लिंक जाकर देख सकते हैं, हमारे पिछला वाला ब्लॉग था वो। और इस वाले ब्लॉग में मैं आपको लेके जा रहा हूँ माड़ा गाँव। चलते हैं, कोई ऐसा रास्ता है माड़ा गाँव का और इस गाँव से होते होते हम लोग जाएंगे यहाँ से माड़ा गाँव की तरफ। तो कितना खूबसूरत लग रहा है ये गाँव यार। बद्रीनाथ से मात्र 2 किलोमीटर दूर आने के बाद ना इस जगह के नजारे ही कुछ अलग हो गए हैं एकदम से। शांति सी है यार यहाँ पे बिल्कुल ना। तो कुछ ऐसा गांव है यार यहाँ का। गांव पे ना जैसे घर की छतें हैं वो पत्थरों की बनी हुई हैं, आप देख सकते हो मेरे साथ में। और छोटे छोटे से घर हैं यहाँ पे लोगों के। और पतला सा ट्रैक है, पतला सा रास्ता है। और कुछ घर इस साइड है और कुछ घर इस साइड है। और इसी रास्ते हम चलते चलते ना हम लोग पहुंच जाएंगे आपका माड़ा गांव की तरफ को। और यार ये गांव का गचकोटी माड़ा गांव से थोड़ा सा पहले है भाई। यहाँ पल्सर गाड़ी भी आती है, देख लो भैया रानी मिल जाएंगी बढ़िया बढ़िया। चल भाई चल चल टिकी 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 टिकी। तो भैया ये सारे के सारे जो नज़ारे हैं इस समय ये हैं आपके इस माड़ा गाँव के। तो आज मैं इस बद्रीनाथ के इस गाँव में घूम रहा हूँ। और इस गाँव में ना यहाँ पे के गाँव के लोगों को ऋषि मुनिया ने श्राप दिया था कि यहाँ पे ना आपका चावल गेहूं कोदा ये यहाँ पे इस गांव में होता ही नहीं है। और दूसरी बात, इस गांव पे ना 6 महीने तक यहाँ पे लोग पूजा करते हैं और 6 महीने के बाद यहाँ पे ऋषि मुनि देवलोक से आके देवता लोग पूजा करते हैं। इसलिए बद्रीनाथ 6 महीना आपका खुलता है, 6 महीना बंद रहता है। ऐसा कहते हैं कि बर्फ से पूरा गाँव ढक जाता है और देवता अलग अलग जगह अपनी अपनी समाधियों में लीन हो जाते हैं जो भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए यहाँ पर आते हैं। क्योंकि भगवान विष्णु ने भी योग करने के लिए साधना करने के लिए इसी गाँव का चयन किया था। तो चलते हैं मेरे साथ और गाँव के दर्शन करते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से। आंटी जी इस गांव का नाम क्या है? गचकोटी। नाग नागिन जोड़ा गचकोटी। भैया यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं, यहाँ पे एक शॉप दिखी मुझे छोटी सी और यहाँ पे इस गांव का नाम है नाग नागिन जोड़ा गचकोटी। इंदर लोग क्या कहा आपने? इंदर इंदर धारा ऊपर है, इंदर धारा उधर है। इंदर लोग पानी आ रहा ना। अच्छा, इधर इंदर धारा नाम से है। और आपका ना इधर माड़ा गाँव में ना लोग खेती भी करते हैं। और इस तरीके से आप देख सकते हैं मेरे ठीक सामने लोग अपने बैलों के साथ लगे हुए हल जोत रहे हैं। तो भैया जी मैं माड़ा गाँव की तरफ जा रहा था तो आपका ये नाग नागिन जोड़ा गचकोटी नाम से गाँव पड़ता है आपका ये गाँव है। यहाँ पे कुछ लोग खेतों में अपने काम करते हैं। चलते हैं इनसे बात करते हैं कि भाई आखिर यहाँ पे डेवलपमेंट तो कुछ दिख नहीं रहा है तो ये कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं लोगों के साथ। चलते हैं इनके खेतों की तरफ। ऐसे कुछ खेतों के रास्ते वो गेट ऐसे बनाया जाता है यहाँ पे। ये मैं आपका माड़ा गांव से पहले गचकोटी गांव के खेत में आ गया हूँ और यहाँ पे ना कोई अंकल जी हैं और वो अपना खेत में काम कर रहे हैं तो उनको जाके देखते हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार अंकल जी। खेत जुताई चल रही? आलू आलू लगा रहे हो अभी? लगा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ आलू होता है? तो यहाँ पे ठंडा होता है, यहाँ पे ठंडे में 3 महीने में आलू हो जाता है। 3 महीने में आलू हो जाता है। और कौन कौन सी फसल होती है यहाँ पे? पालक, धनिया, मेथी, गोभी, मूली, मटर। अच्छा, और आपका वो क्या कहते हैं ये मेथी हो जाता है, पालक राई भी हो जाता है और धनिया और सब्जी गोभी बंद गोभी फूल गोभी। अच्छा, ये दोनों हो जाते हैं। तो यहाँ इतनी खेती के लिए मतलब बारिश वारिश पर्याप्त मात्रा होती है? पानी त्राई करते हैं, पानी वहाँ से अच्छा लेके आते हैं। ना नल लगाए ये सामने पे। अच्छा, नल से करते सिंचाई करते हैं। बारिश तो यहाँ कमी होती है? बारिश होती है। लोग कहते हैं यहाँ बारिश कम स्नोफॉल ज्यादा होता है। बारिश उस भेली में कम होती है।
ये मलारी से ऊपर लास्ट गांव इंडिया का नीति गांव पड़ता है। नीति गांव, अच्छा नीति वैली बोलते हैं। नीति वैली ये माणा वैली, माणा वैली नीति वैली। तो यहाँ पे मतलब स्नोफॉल जब होता है तो आपकी फसल खराब नहीं होती है? वजह लास्ट वीक को बर्फ आती है। जैसे यहाँ माणा का घंटाकरण का पूजा हुआ, अच्छा वैसे 16 नवंबर को हम निकल जाते हैं। 16 नवंबर को आप निकल जाते हैं। अच्छा जिस दिन मतलब ये द्वार बंद होते हैं बद्रीनाथ के? बद्रीनाथ को कभी 19 कभी 18 कभी 21 को बंद होती है। अच्छा माणा का पूजा होती है, एक बड़ा भव्य मंदिर है घंटाकरण का। माणा में पूजा होती है? हाँ। घंटाकरण हाँ। हाँ। ये पूजा होती है 10 नवंबर से। 10 नवंबर से होती है, 15 नवंबर तक। अच्छा 15 नवंबर के बाद 16 नवंबर को सब खाली हो जाएगा माणा का। अच्छा कहने का मतलब है कि भैया जो यहाँ स्नोफॉल होता है ना बद्रीनाथ का, जो मंदिर बंद होता है उसके बाद यहाँ पे आपका माणा गांव में घंटाकरण नाम से पूजा होती है और ये पूरा गांव उस पूजा के बाद ना खाली हो जाता है। माणा गांव और आपका यहाँ गाँव भी खाली जाता है? भी खाली हो जाता है। तो फिर आप लोग कहाँ जाते हैं यहाँ से? गोपेश्वर। तो वहाँ भी आपके घर है? वहाँ भी घर है। अरे क्या बात है, आपके दो दो घर है। हमारा एक घर भी ढंग से नहीं चल रहा है, आप दो दो घर चला रहे हो। कौन सा मंदिर है? मंदिर नागनागिनी का। ये जो मंदिर है ये मंदिर है, इसके अंदर नागनागिनी है। नाग और नागिन, नागनागिन कौन है? यहीं से स्वर्गवास हो गए थे। मतलब यहाँ कैसे आए थे नागनागिन? अब ये इतना मुझे पता नहीं है। कोई भगवान थे? वो भी मुझे पता नहीं, ये तो सदियों से है। अच्छा। पत्थर पे है, यहीं से इस इलाके में कहीं सांप सूपने होते तो वो मतलब नागनागिन लगते थे या कहते इच्छाधारी नागनागिन थे? नागनागिनी नागनागी देखा मैंने, इच्छा वाली देखा नहीं मैंने। एक नाग है एक नागिनी है, देख लो आप पत्थर पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई साहब बता रहे कि आगे नागनागिन का मंदिर है, मैं आपको अभी वहां लेके चलता हूं। सावन में दूध और धूप अगरबत्ती होती है हमारी वहां। अच्छा सावन में धूप अगरबत्ती नागनागिन के लिए? नागनागिन के लिए। चलिए जी ये बहुत अच्छी बात बताई आपने मुझे। और जो इनके ये जो छोटे से बैल हैं, एक बड़ा बैल, इनका नाम, एक का नाम आलू है एक का नाम कालू है, दोनों बैल बहुत चालू है। नाग और नागिनी थी हाँ। ये यहाँ तक आए हाँ। यहीं से स्वर्गवास हो गए थे। अच्छा इस इलाका बद्रीनाथ धाम में कभी सांप सूंप नहीं होता है। अच्छा यहाँ बद्रीनाथ में सांप होते ही नहीं है? होते ही नहीं। बस ये उनका लास्ट बॉर्डर है यहाँ से, इसके बाद नागनागिन आगे कहीं दिखाई नहीं देंगे। ये एक नई बात है मैं जो मुझे भाई साहब ने बताई, ये बता रहे कि यहाँ पे एक नागनागिन का मंदिर है, वो नागनागिन यहाँ आए थे और इसके बाद उनका स्वर्गवास हो गया था, तो इसलिए इस गाँव में ना नागनागिन सांप कुछ नहीं होते। कहने का मतलब है कि भैया सांपों के लिए बॉर्डर है तो नागनागिन लोग इससे आगे नहीं जाते हैं, मतलब इससे आगे सांप होते ही नहीं है। तो ये गाँव पूरा आपका सांप मुक्त गाँव है वही पूरा। तो आपके बच्चे यहाँ लोकल रहते हैं आउटसाइड रहते हैं बाहर रहते हैं? लड़की की शादी होगी। अच्छा लड़का, अच्छा देहरादून तैयारी कर रहा था। तो भैया ऐसे यहाँ के माणा गांव के खेतों में होती है भैया आपका ऐसे जुताई होती है, ऐसे यहाँ के फसल पे लोग काम करते हैं, तो कुछ ऐसा नजारा रहता है आपका यहाँ का? चल भाई कालू, चल भाई लालू, लालू और कालू। माणा गांव से पहले के जो नजारे हैं वो मैंने आपको दिखा दिए और अब मैं आपको लेके चलने वाला हूँ। यहाँ पे नागनागिन का जो मंदिर है उस मंदिर में लेके चलने वाला हूँ। आखिर क्यों इस गाँव में सांप नहीं होते हैं, आखिर क्यों इस गाँव में सांप आते ही नहीं है, आखिर क्यों इस गाँव में सांप आते हैं तो मर जाते हैं, ऐसा क्या होता है इस गाँव में, के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ नागनागिन जोड़ा वाले मंदिर में कि क्या हुआ था उन सांपों के साथ इस गांव में, अब यहां पर सांप होते ही नहीं है। तो चलो अभी मैं आपको दर्शन कराता हूं उस नाग और नागिन का जो डायरेक्ट यहां से आपका बद्रीनाथ से माणा गांव से स्वर्ग की तरफ चले गए थे। तो भैया जी मैं आपका आ गया हूं उस नाग और नागिन के मंदिर के सामने जहां पे उनका स्वर्गवास हुआ था और यहीं से वो आपका स्वर्ग की तरफ चले गए थे। हमने लिखा है नाग नागिन मंदिर गजकोटी। तो चलते हैं मंदिर के अंदर और करते हैं दर्शन नाग और नागिन के। आखिर वो कौन से नाग नागिन थे जिनको स्वर्ग में जाने की अनुमति नहीं मिली, जिन्होंने अपना शरीर यहीं पर त्याग दिया था। तो यहाँ पे लिखा है भैया, पहले तो सबसे पहले मैं आपको वो नाग और नागिन का मंदिर दिखा देता हूँ कि किस तरीके से है। पत्थर में आप देखेंगे ना, पत्थर में कुछ आकृति आपको दिखाई देगी, एक सांप की, दो सांपों की, एक नाग है और एक नागिन है। तो जी ये उस पत्थर में बड़ी प्यारी सी आकृति है, तो मैं प्रणाम करता हूँ भैया इस नाग और नागिन को। ये भी तो भैया ये नाग और नागिन जो यहाँ पे इस पत्थर में जो जोड़ा बना हुआ है ना, ये नाग और नागिन का, तो ये भी उस समय का है कि जब यहाँ पे भगवानों का वास हुआ करता था, जब यहाँ पे आपका युधिष्ठिर भैया भीम अर्जुन सब लोग यहाँ आए थे, तब का ही ये समय है। इनका इसी पत्थर के ऊपर स्वर्ग वास हो गया था और तब से इस शिला के रूप में यहाँ पे लोग पूजा करते हैं। हम आपका जो आलू के खेत से आपके आए ना, आपको दिखाया कि वहाँ पे अंकल कैसे हल जोत रहे थे। तो यहाँ पे आंटी जी हैं, उस हल के लिए बीज बना रही हैं। तो आंटी जी ये कितना बीज होगा कम से कम? एक खेत को होगा ये सब, एक खेत को जो वहाँ खेत में हो रहा काम चल रहा है उससे ज्यादा होगा। उससे ज्यादा होगा? तो आप इसे कहते 6 महीने तक गड्ढे में क्यों रखते हो आलू को? आलू अब अंदर रखेंगे तो चूहा काटता है। चूहा काटता है तो जमीन के अंदर रखते हैं? जमीन खड्डा बनाते गोल। अच्छा उसके अंदर डाल के मिट्टी ढका के गोबर ढका के तब निकाल। 6 महीने तक आलू को कहते मिट्टी के अंदर रखते हैं गड्ढे के अंदर? तो भैया मैंने ये पहली बार सुना है इस माणा गांव के पास में कि यहाँ के लोग भैया आलू को ना 6 महीने जमीन के अंदर बोरी को गड्ढे के अंदर रखते हैं। बोरी नहीं, ऐसे ऐसे ही आलू को? हाँ,
अच्छा, ये फ्रेश आलू को ऐसे ही पकड़ के गड्ढा बना के 6 महीने तक गड्ढे के अंदर रखते हैं, जिससे कि ये आलू इनका ना फ्रेश होता है। तो अभी इन्होंने गड्ढे से बाहर निकाल दिया है, अभी इसे काट रहे हैं। इसके बाद जो आपको खेत दिखाया था जहाँ पे 2 हल जोत रहे थे, इसके बाद इन आलू को वहाँ पे बो दिया जाएगा। तो कुछ ये कुछ अनोखा था मेरे लिए, जो पहली बार सुना कि भैया आलू को ऐसे ही साबुत 6 महीने तक गड्ढों में रखते हैं, उसके बाद भी आलू फ्रेश निकलता है। अच्छा, अब वहाँ देखो उधर मारा गाँव देखो गड्ढा गड्ढा होगा, पूछ लो आलू ये गड्ढा किस किसका है, आटा गाढ़ा। अच्छा। वो बोलेंगे कि आलू। अच्छा। तो जी यहाँ पे शॉप पे मैं आया था ना, तो यहाँ पे ये तुलसी की माला बना रही थी दीदी, तो बता रहे थे कि 25 से 30 रुपए की तुलसी की माला ये बद्रीनाथ मंदिर में चलती है, इसलिए बनाते हैं ताकि पर्यटक यहाँ से आए और तुलसी की माला ले रहे हैं। तो काफी मेहनत का काम है यार इस तरह की तुलसी की माला को बनाना। यहाँ 25 का बेचते हैं, वहाँ वो लोग 50-30 जितने का भी। और ये आंटी जी जिसकी जो बैठी है ना, ये बकरे की खाल है। ये खाल है बाल है आंटी, खाल है, ये बकरी की खाल में बैठे हो आप। अरे बाप रे बाप, यहाँ पे ना यहाँ पे बैठने के लिए चटाइयों का यूज कम, बकरी की खाल का यूज ज्यादा किया जाता है। तो यहाँ पे जिस आंटी से हम बातचीत कर रहे थे ना, तो इनकी छोटी सी दुकान है, तो हमने इस दुकान से कुछ मैगी ले ली है, माजा ले लिया है, और आगे जाके ना हम जाके रास्ते में बैठेंगे, बढ़िया सी मैगी बनाते हैं और खाते हैं। क्योंकि यार बद्रीनाथ में दर्शन करने के बाद हम डायरेक्ट अंदर के रास्ते यहाँ आ गए, तो दोबारा होटल जाएंगे तो टाइम लगेगा हमें कम से कम, तो रास्ते में कहीं अपना चूरा लगा लेंगे और मैगी बना लेंगे बढ़िया तरीके से। तो छोटी सी आपका माणा गांव से पहले एक दुकान है, तो यहाँ से हमने शॉपिंग वॉपिंग कर ली है बढ़िया ढेर सारी। पानी पानी चाहिए, पानी नल है नल। तो भैया यहाँ पे ना गाँव में एक घर मिला है, यहाँ पे पूछ लिया हमने, तो यहाँ पे नल मिल जाएगा। यहाँ पहाड़ों पे जो घर होते ना, आपका इस माणा गाँव के घरों के नज़ारे में आपको दिखा रहा हूँ। तो भैया यहाँ पे जो घर है देखो कितने पुराने घर हैं यार, मतलब किस तरीके से, और सब में ताला लगा हुआ है। हमको पानी की जरूरत थी क्योंकि ना हमने मैगी ली थी पीछे दुकान से, हमने सोचा कि भूख लग रही है, बना लेते हैं कि माणा गांव का ट्रैक अभी रहेगा 1-1.5 किलोमीटर का। और तो इस तरीके से यहाँ पे कितने छोटे छोटे घर हैं आप देखो, ये बॉर्डर के गाँव है, बॉर्डर के घर है, और ये समझते हैं कि ये भगवान के गाँव है जी। यहाँ पे 6 महीने किसी मुनि निवास करते हैं। तो यहाँ पे घरों की जो किस तरीके से घर है आप देख लो यार, क्या खूबसूरत से, मतलब यार ऐसे ही कभी किसी घर में ना अपन स्टे करेंगे एक रात को, पक्का डन। तो भाई जी मैं गया था थक बढ़िया वाला, तो ये घर मिला है, यहीं पे काम करते हैं, अपनी मैगी निकालते हैं, चूल्हा निकालते हैं, बड़े सी मैगी बनाते हैं। वैसे हम इस घर में रहते तो नहीं है, लेकिन अभी हम यहाँ पर बैठ के चूल्हा लगाएंगे ना कहीं पे, उन्हें कोने अपना लगा लेंगे और बैठ के बनाएंगे, तो लगेगा ये अपना ही घर है। ठीक है, तो यहाँ पास में नल है, जाके पानी ले आते हैं, पानी भरते हैं, उसके बाद बड़े सी मैगी बनाते हैं, फिर चलते हैं माणा गाँव की तरफ। ये हमारा पानी भरने लग गया है बोतल में। तो भैया मैंने अपना सिलेंडर निकाल लिया, अपना चूल्हा निकाल लिया, ये अपना कैन और ये अपनी चूल्हा, और ये जो घर था जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा था ना जो घर, अब ये घर तो अपना नहीं, लेकिन हम खाना बनाएंगे तो अपना पन से यहाँ पर आ ही जाएगा। गैस जला दिया और हम सही मैगी बना रहा हूँ, क्योंकि यार अभी ट्रैक करना है यार। ऐसे भी ना इस तरीके से ऐसी लोकेशन पे बैठ के मैगी बनाने का जो मजा है ना, वो अलग ही है, एक नंबर है। यहाँ पे हवा इतनी तेज चल रही ना, अब क्या। तो भैया मैगी तो मैंने बनाना शुरू कर दिया यहाँ पे बैठ के, और यहाँ पे ना हवा इतनी तेज चल रही है, तो ये टीन सेट को मैंने पकड़ लिया, चारों साइड से कवर कर दिया है, एक साइड दीवार है, इस साइड टीन है, इधर घर है, हवा नहीं आएगी तो जल्दी मैगी बन जाएगी। तो यार तुम्हारे जो रोहित पहाड़ी है ना, वो ऐसे ही एडवेंचर करते रहते हैं। अभी घर वाले अगर आएंगे तो हमसे पता नहीं क्या कहेंगे, भगवान जाने। हम बोल देंगे यार भूख लग रही है, खाना लेके आए हैं, बना लेते हैं, हम इनके घर को नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं, साइड में बना रहे हैं, तो चलता है, इतना तो बनता है। ये घर तुम्हारा ही है क्या? काम धाम के लिए कोई नहीं है, काम करे रोहित पहाड़ी, गप मारेंगे ये लोग। तो भैया जी मैगी हो गई है अपनी रेडी और लौंडे अपने हो गए शुरू। देखो क्या वादियों में किसके घर में बैठ के ये लोग मैगी खा रहे हैं, देख लो भैया। हमारे पास स्पून नहीं है, तो ये बड़ा वाला जो होता है ना उससे ही खा रहा हूँ मैगी। स्पून खो दिया हमने, अब यही बचा है हमारे पास खाने के लिए, इससे हम लोग बनाते हैं, इससे खा रहे हैं। भैया मैगी तो लौंडों ने कर दी खत्म, तो मैं पी रहा हूँ खाली पानी। तो भैया मैगी हमने बना ली है, और मैगी बना के हम निकल रहे हैं आगे माणा गांव, बस पास नहीं पड़ेगा, तो चलो।
तो भैया जी हम जा रहे हैं गांव की तरफ को और आगे से आ रहे हैं कुछ लोग। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। क्या लेके जा रहे हैं आप इसमें? कच्चा।